अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश को बनाया जाएगा प्लास्टिक मुक्त भारत। राज्य मंत्री नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। श्रीनगर में शुक्रवार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी बाया रोड देवरिया से कस्या पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने कस्या तिराहे पर चंद्रशेखर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कस्या शहीद पार्क पहुँच कर वहाँ माल्यार्पण कर कुशीनगर डिग्री कॉलेज में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शामिल हुए। कुशीनगर जनपद के एक ही माता पिता के दो पुत्र राकेश मल और प्रिंस मल यूपी के पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर पद पर नियुक्त हुए थे, उनको भी मंत्री ने सम्मानित किया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुशीनगर स्थित बुद्ध पार्क पर प्लास्टिक निरोधक की साफ सफाई की व्यवस्था देखे और वहां मौके पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2014 से देश भर में प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया गया, जिसमें 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर 75 टन देश भर के प्लास्टिक एकत्र किए जाएंगे। प्लास्टिक मुक्त के लिए इसमें पहले हम देवरिया में थे, जहां कुशीनगर से आए महाराजगंज जाएंगे। 21 दिनों में देश के 75 जिलों में जाकर सरकारी तंत्रों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि कस्बे से लेकर गली मोहल्लों तक यह अभियान चलाया जाए, जिसमें हमारा देश प्लास्टिक मुक्त हो सके। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने भी सफाई की और उस कार्यक्रम को संबोधित किया। विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, बुद्ध पीजी कॉलेज के अमृतांशु शुक्ला, देवेंद्र मणि, बाबू चकमा, ओम प्रकाश जायसवाल आदि शिक्षक के साथ भारी मात्रा में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साफ सफाई पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है और लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। टीम जनमंच खबर के लिए कुशीनगर से दिनेश ओझा की रिपोर्ट। स्वच्छता आंदोलन 2 अक्टूबर 2014 को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के स्वच्छता आंदोलन को जन भागीदारी के जरिए एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। आज ये प्लास्टिक मुक्त भारत और गंदगी मुक्त भारत बनाने का अभियान 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक है। महात्मा गांधी जी की जयंती के पूर्व दिवस से लेकर के और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म सदी तक कुछ महीना ये आंदोलन के रूप में चल रहा है और उसी को मूर्त रूप देने के लिए प्रत्येक जनपदों में, अभी सुबह हम देवरिया में थे, अभी आपके कुशीनगर में हैं, अभी यहाँ से महाराजगंज में जा रहे हैं, यानी 31 दिनों के अंदर 75 जिले में जा करके और ये हर आदमी, हर माननीय सांसद, हर माननीय विधायक, हर माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम के प्रधान और सरकारी विभाग में रहने वाले जितने भी सरकारी विभाग हैं, सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर जनपद को अलग अलग टारगेट है और आज़ादी के 75वें साल पे जो अमृत महोत्सव के रूप में 75वां साल मनाया जा रहा है, उस अवसर पर पूरे देश से 75 लाख kg प्लास्टिक इकट्ठा करने का अभियान ये सरकार के द्वारा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है और उसी को मुक्त रूप देने के लिए आज कुशीनगर जनपद में हम लोग आए हैं। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।